हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए एक चाइनीज़ कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है बिगिन अगेन। ये एक फोर्स मैरिज लव स्टोरी है। इसकी कहानी कुछ इस तरह से होती है कि शादी के बाद इनमें प्यार हो जाता है और ये किस तरह मिलते हैं ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक शादी दिखाई जाती है और फिर सीधा दो हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारी मेन लीड यानी कि हमारी हीरोइन लू फैनिंग को दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी की सीईओ होती है और अपने काम में बहुत ही माहिर होती है। वो अपने काम पर्सनल लाइफ तो कुछ होती ही नहीं है, वो सिर्फ काम में ही दिमाग लगाई हुई होती है। अपने सेक्रेटरी गु अरफान के साथ में जा रही होती है और उसे सारी डिटेल वगैरह दे रहा होता है और फान बोलता है कि आपके पापा ने आपको डेट पे जाने के लिए बोला था, आप क्यों नहीं गई। वो इस बारे में पूछ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूँ। वो कुछ नहीं बोलती है और टालने के लिए कह देती है। आगे आज उनके बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग होती है क्योंकि उसने अपना एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है जिसका नाम होता है इन्फिनिटी, लेकिन कोई भी बोर्ड मेंबर इसके लिए तैयार लग नहीं रहा होता है। वो आकर अपना पूरा बेस्ट देती है, अपने बात को रखती है उन लोगों के सामने, लेकिन वो लोग कोई रिस्पॉन्स ठीक से दिखा नहीं रहे होते हैं। अब वो बाहर जाती है, वो अरफा से पूछती है क्या मैंने ठीक किया। तो वो बोलता है कि हाँ आपने तो बहुत अच्छा किया। वो बोलती है कि अब तुम्हें लगता है कि ये लोग मुझे वोट देंगे। तो वो बोलता है ये सारे लोग शायद इस बात के लिए अभी तक राज़ी नहीं हैं, लेकिन आपको एक इंसान का वोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, लेकिन वो इंसान तो आज आए ही नहीं है। तो वो पूछती है कौन, तो बताता है कि मिस शाओ, वो हॉस्पिटल में है क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि ठीक है हमें उनके पास जाना चाहिए और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद वो मिस शाओ को मनाने की बहुत कोशिश करती है और अपनी कुछ तस्वीरें भी खिंचवा देती है और अपने अकाउंट पे डाल देती है ताकि लोग और भी बोर्ड मेंबर देखें और उन्हें लगे कि मिस शाओ जो है वो फैनिंग के साथ में है। ये सुनकर वो बोलती है कि मुझे पता था तुम ऐसे ही कुछ करने वाली हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं देना चाहती। और तुम्हारे प्रोजेक्ट की बात करूँ तो वो तो घर वालों के लिए होता है ना, और तब तो तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, तो तुम क्या जानोगी ये सब कुछ। वो कुछ नहीं बोलती है, तभी उसके बेबी को खिलाने लगती है तो उसकी उंगली पकड़ लेता है। तो मिस शाओ बोलती है कि तुम बच्चे के साथ खेलो, मैं अभी आती हूँ, शायद तुम्हें इससे थोड़ा बहुत कुछ अच्छा लगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस शाओ के जाने के बाद फैंगनिंग जो होती है वो अपनी उंगली खींच लेती है तो बच्चा रोने लग जाता है और उसे चुप ही नहीं कर पा रही होती है। तभी पीछे से एक डॉक्टर आता है, यही है हमारा मेन हीरो लिंग रॉय जो होता है बहुत ही अच्छा डॉक्टर होता है। और वो आकर उसे बताने लगता है कि बच्चे को किस तरह संभाला जाता है, कैसे उसे पकड़ना चाहिए, और वो उसको बोलता है कि लो तुम भी पकड़ो, तो वो मना कर देती है। तो वो बोलता है क्या ये भूत थोड़ी है, तो बच्चा भी हंसने लग जाता है और वो उसे झूले में रख देता है और इसी बीच दोनों बच्चे के साथ खेलने लग जाते हैं और उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। उन दोनों का इस तरह से देखकर मिस शाओ जो होती है वो उनकी तस्वीर खींच लेती है। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फैंगनिंग जो है अपना क्रेडिट कार्ड वहीं पर छोड़कर जाने चली जाती है बाहर। मिस शाओ बोलती है कि ये क्या हरकत कर रही हो, और वो उसके पीछे क्रेडिट कार्ड लेकर भागती है, लेकिन वो छुप जाती है एक जगह पे जाकर। मिस शाओ वापस चली जाती हैं तो फैंगनिंग जो होती है वो उस कमरे के अंदर तक चली जाती है। वो कमरा लिंग रोए का होता है और वो वहाँ पर कपड़े बदल रहा होता है और उसे देखने के बाद चौंक जाता है। फैंगनिंग जो होती है लगातार बस उसे ही देखे जा रही होती है, इससे उसे बेचारे को बहुत अजीब सा लग रहा होता है और वो सोचती भी नहीं है और जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और बस उसे निहारे जा रही होती है। वो उसके करीब आता है और उसे बोलता है कि तुमको नहीं लगता कि किसी के कमरे में इस तरह नहीं आना चाहिए, ये मेरा ऑफिस है, समझ गई। और ये कहकर वो उसके पास आ जाता है, लेकिन वो उसकी बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं कर रही होती। वो कभी उसकी शक्ल को देख रही होती है और कभी उसकी बॉडी को देख रही होती है। ये सब देखकर वो भी बेचारा थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से अभी चले जाना चाहिए। वो कहती हाँ हाँ ठीक है मैं चली जाऊँगी, लेकिन तभी किसी के आने की आहट होती है और हमारा लिंगरे जो होता है वो फैंगनिंग को सीधा पर्दे के पीछे छुपा देता है। उसका दोस्त वहाँ पर आता है और वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराना चाह रहा होता है। वो उसे बोलता है कि एक मिनट लगेगा साइन कर दो, तो लिंगरे कहता है कि मैं कपड़े बदल रहा हूँ, बाद में आ जाना, रख दो वहाँ पर। लेकिन उसका दोस्त मान ही नहीं रहा होता है, लेकिन वो बोलता है कि मैंने पैंट भी नहीं पहना है, समझो। तो
तो वो कहता है अरे यार हम दोनों लड़के ही तो हैं। जब निंगडॉल ज़्यादा ही उसको बोलने लग जाता है तो उसका दोस्त कहता है ठीक है जा रहा हूँ मैं, और वो जाने की एक्टिंग करता है, लेकिन वो तुरंत वापस आ जाता है और पर्दा हटा देता है। पर्दा हटाने पर सामने दोनों होते हैं, उन्हें देख कर उसे शर्म आ जाती है और वो पर्दा लगा कर बोलता है कि तुम लोग कंटिन्यू करो, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फैंगनिन जो होती है रॉय से माफ़ी मांग रही होती है, तो रॉय की गाल लाल हो जाते हैं। वो देखकर वो कहती है कि तुम्हारे गाल तो कितने लाल हो गए, तुम्हें शर्म आ रही है क्या? तो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, और वो ये भी बोलता है कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन अगली बार से तुम ख्याल रखना। ये कहकर वो उसे जाने के लिए बोलता है, वो वहाँ से चली जाती है। आगे वो घर पहुँच जाती है और अपने पापा के साथ बहुत बहस करती है। वो चाहती थी कि उसके पापा उसका साथ दें और वोट करें और उसका सपोर्ट भी करें, लेकिन उसके पापा मान ही नहीं रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद उसके पापा मान जाते हैं और एक शर्त रखते हैं उसके सामने। वो बोलते हैं कि अगर तुम एक साल में शादी कर लो और मुझे नाना बना दो तो मैं पक्का तुम्हारे लिए तुम्हारा ही साथ दूंगा, और अगर लोगों ने नहीं माना तो मैं सिस्टम का पूरा रूल ही चेंज कर दूंगा, तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो तुम ऐसा करोगी? वो मान जाती है, वो कहती है ठीक है मुझे मंजूर है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो कमरे से बाहर निकलती है, वहाँ उसकी सौतेली माँ होती है, वो उसे खाना खाने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसे मना कर देती है, कहती है आपका खाना आप ही खा लो। वो जब बाहर जाती है तो उसका भाई उसे मिलता है। दरअसल उसके भाई ने उससे कुछ पैसे ले लिए होते हैं और उसे वापस करने होते हैं। वो कहती है कि क्या हुआ, मैं काफ़ी दिनों से तुम्हारा वेट कर रही थी लेकिन तुम आए ही नहीं। उसका भाई थोड़ा वक्त मांग रहा होता है, तो वो कहती है ठीक है मैंने दे दिया, और वो वहाँ से चली जाती है। फैंगनिन जो है फैसला कर लेती है कि अब वो शादी करेगी और बच्चा भी पैदा करेगी, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है। वो अगले दिन ही अपने सेक्रेटरी से बोलती है कि वो उसके लिए लड़के ढूंढे, मगर उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता है, इसलिए वो अपने क्लास में ही उसका सेक्रेटरी बहुत सारे लड़के बताता है लेकिन उसे एक भी पसंद नहीं आ रहा होता है। वो कुछ ना कुछ बहाना और उनमें कमी निकाल कर मना कर रही होती है, तो वो कहता है मुझसे ही क्यों नहीं शादी कर लेती आप, तो वो उसे एक घुसा लगा देती है, वो बेचारा नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हमें पिनपिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आती है, वो एक ब्लॉगर भी होती है और साथ ही में फैंगनिन के अंकल की बेटी भी होती है। वो वहाँ पर आती है लेकिन उसके साथ जिसको मुकाबला करना होता है वो नहीं आया होता है, इसलिए उसे फैंगनिन के साथ में ही मुकाबला करना होता है। फैंगनिन उसे हरा देती है लेकिन वो ऐसे बताती है कि उसे बहुत चोट लग गई है, और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ। ये सुनने के बाद फैंगनिन को अचानक ही डॉक्टर रू का ख्याल आ जाता है और वो फ़ौरन उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहाँ भी पिंगपिन बहुत नखरे दिखा रही होती है और डॉक्टर की बेइज्जती करती है। डॉक्टर रू जो होता है उसे अच्छे तरीके से झड़काता है। डॉक्टर उसको पूछते हैं कि आपके साथ कौन आया है, तो फैंगनिन अंदर आती है। फैंगनिन की नज़रें सिर्फ डॉक्टर रू को ढूंढ रही होती है। सामने खड़ा हुआ डॉक्टर रू उसे देखता है लेकिन वो उसे पहचानती नहीं। जब वो अपना नकाब हटाता है तो उसे समझ में आता है कि वो वहीं पर है। अब आगे हमें दिखाते हैं कि वो बाहर होती है, उसके पास डॉक्टर वो आता है और बोलता है कि तुम्हारी गर्दन में चोट लगी है, लाओ मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। वो कहती है तो मामूली चोट है, तो वो जाने लगता है, तो वो एक्टिंग करती है कि उसे दर्द हो रहा है। वो उसे लेके जाता है अपने ऑफिस में और वहाँ उसको दवाई लगाता है। इस दौरान बस फैंगनिन जो होती है वो डॉक्टर रू को देखे जा रही होती है। वो बोलता है कि ऐसे क्या देख रही हो, तो वो बाजू में पड़ा हुआ एक ग्लास लेती है और उसे और गौर लगा के उसको देखती है और उसको पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वो बोलता है नहीं। तो बोलती है कि तुम्हारे कोई बच्चे तो नहीं है? तो वो कहता है क्या, जब सब कुछ ठीक है तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये बोल सुनते ही डॉक्टर रू चौंक जाता है और वो कुछ बोल ही नहीं पाता, उसे समझ नहीं आता आखिर क्या बोल रही है। वो बोलती है कि इस बारे में सोचना और मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। ये कहकर वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद में वो अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करती है और कहती है कि डॉक्टर लिंगरो के बारे में सारी जानकारी निकाल के दो। और एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म। अगर आपको पसंद आया है तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।